20 जुलाई से संसद के नए सत्र यानी कि मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है। उम्मीद है कि ये नया सत्र जो है ये नई संसद में होगा, जिसे लेकर हाल फिलहाल के दिनों में काफी चर्चा हुई। लेकिन इस चर्चा के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। दावा यह है कि जिस वक्त दिल्ली और NCR जो है वो बाढ़ की चपेट में है, बाढ़ की खबरें आ रही, यमुना जो है उफान पर है, इस बीच में दावा किया गया है कि नई संसद भवन जो है उसमें भी पानी भर गया। और इसी दावे को लेकर सरकार का भी बयान आया है। दावा करने वाले शख्स जो हैं वो खुद सांसद हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, नाम है हनुमान बेनीवाल। क्या है उनका दावा और सरकार ने इस दावे पर किस तरीके से रिएक्ट किया है, पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हनुमान बेनीवाल ने सवाल किया कि नई संसद में सत्र क्यों नहीं हो रहा है। हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि नई संसद में इस वजह से मॉनसून सत्र नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि उसमें पानी भर गया है। उन्होंने कहा, नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार हमने इस कारण किया था क्योंकि महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी। अब इच्छा थी कि नई संसद में मीटिंग हो, लेकिन पानी भरने के कारण ऐसा नहीं हुआ। अरबों पैसे लगाकर मैसेज दे रहे हो कि हमने नई संसद बना ली, लेकिन एक बैठक नहीं करा पा रहे। बेनीवाल के इस दावे पर अब सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है, ये बात पूरी तरह से गलत और निराधार है, ये स्पीकर तय करते हैं, ऐसे में स्पीकर इस पर अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि नए मॉनसून सत्र का आगाज जो है वो 20 जुलाई से हो रहा है। ये सत्र 11 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होनी हैं। लेकिन जो दिल्ली की स्थिति है उसमें बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से कई सड़कों को बंद कर दिया गया। जलमग्न होने की स्थिति यहां तक पहुंच गई कि सुप्रीम कोर्ट के पास का एरिया जो है और ITO का जो इलाका है यहां पर भी पानी भर गया। लेकिन इस पानी भरने का असर संसद के नए मॉनसून सत्र पर भी होगा। क्या नए संसद में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि किस तरीके के हालात पैदा हों तो इनसे कैसे निपटा जाए? क्या है दावे के पीछे की सच्चाई और इस पर स्पीकर का किस तरीके से जवाब आता है? आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी इसमें नहीं कहा गया है। इंतजार करना होगा, जब सत्र शुरू होगा तो नई संसद में होगा या पुरानी संसद में होगा। अगर पुरानी में होगा तो सवाल उठेंगे कि नए में क्यों नहीं, संभवतः उसके जवाब भी सामने आएंगे। जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आप तक लेके आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। VK News, राष्ट्र के नाम।